तो दोस्तों देखिए, हमने 6 तारीख को एक लाइट हेड मैग्नीफाइंग ग्लास जो ऑर्डर किया था, देखिए वो हमको मिल गया था 12 अगस्त को। 6 अगस्त को मैंने ऑर्डर किया था और आज हो गया 17 अगस्त। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कुछ तो टाइम लगा, कुछ बीच में संडे आ गया था और कुछ क्या था, इस पर एक वर्क करना था कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कैसा देखने में लग रहा है, कैसा ये वर्क करता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल चेक कर रहा था। तो इस तरह की पैकिंग थी इसकी, इस पर हमारा एड्रेस है और इसके अंदर था ये बॉक्स, इसी के अंदर है लाइट हेड मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मिनट, तो हम आज कंपेयर करेंगे कि ये हत्ता है जिससे हम इसको लेंस बोलते हैं, ये हम जब इससे वर्क करते हैं ये 2 से 4x तक जूम तो करता है, लेकिन क्या दिक्कत आती है, इसे हम एक ही आंख पे लगा के देख सकते हैं और वो काम करने में वो मज़ा नहीं आता जो इसमें आता है। हमने इसलिए इसको ऑर्डर किया था। अभी हमने इसको खोल रखा है, इसमें कुछ लगा के इसमें कुछ वर्क किया है इसके साथ। ये एक इसका यूजर मैनुअल है, इसको कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ना होता पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये है एक जो मेन है बॉक्स हेड पे लगाने के लिए, देखिए इस तरह से है। और इसको हमने अपने हेड के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमने इसको करके चला लिया है। और सबसे जो उलझन थी, हमको थोड़ा उलझन हुआ, आपको दिखा देते, इसमें और कुछ नहीं है। ये रही लेंस, ये रहा हेड रिंग, ये हेड रिंग है। और एक बार आपको दिखाते हैं इसको, यहाँ पर इसमें एक ट्रिपल ए सेल थे, बैटरी थी, उन्होंने डाल दिया इसको इस लाइट के लिए। ये ऐसे आता है, इसको हम ऊपर नीचे देखिए आसानी से अप डाउन लेफ्ट राइट कैसे भी कर सकते हैं। उसकी लाइट भी काफ़ी अच्छी है, देखिए दिन में भी, देखिए सुबह का टाइम है, ये करीब 9:30 बज गए हैं, ये देखिए काफ़ी लाइट अच्छी है। और जब हमको थोड़ा सा उलझन हुआ, आपको बता देते इसमें कुछ नहीं है। और ये देखिए, हमने सोचा, ये देखिए दो क्लैप दे रखे हैं, लॉक दे रखे हैं इसके, हमने सोचा जो हमारा लेंस है इसके बीच में, दोनों के बीच में ये रख के ऐसे लगाना पड़ेगा इसके साथ, यानी कि ऐसा नहीं लगेगा, आप भी इसको मिल सकते हैं, इसलिए आपको बता दें। जैसे कि हमने लेंस को लेके इसके अंदर लगाना है, इस पिन के अंदर, इसमें लॉक दे रखे हैं, इसमें लॉक लगाने के लिए पिन दे रखी है, सीधे इसके अंदर डालेंगे, दो दे रखे हैं, कभी एक लूज़ हो जाए, ख़राब हो जाए तो हम दूसरे में लगा के और इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर सीधा डल जाता है, ये देखिए 4 लेंस है इसमें, अकेला अकेला हम दिखा देते हैं। ये है 1x/2x, कोने पे यहाँ पर लिख रखा है, ये देखिए ये 1x/2x। और इसको लगाना है जो गुलाई है बाहर की तरफ है, जो हिस्सा ये देखिए इसका, इस साइड में बाहर वाली साइड इसके बाहर ही आएगी और इस तरह से ये लग जाता है। देखिए हम जैसे लगा के दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए, ये देखिए इसमें लॉक लगे हुए हैं, ये देखिए फिट हो जाता है अच्छे से। इसको अप डाउन कर सकते हैं, इसको भी रिंग को भी हम देखिए कैसे भी अप डाउन कर सकते हैं। हमने इसे लगा के अच्छा वर्क करके देखा, काफ़ी अच्छा है। और इसमें कुछ जो बता देना चाहते हैं, इसमें क्या है, हमने जो देखा जो 1.2x है वो लेंस, इसको एक बार निकाल लेते हैं इसमें से, हम इसे रिंग से बाहर निकाल के आपको एक बार चेक करा के दिखाएंगे कैसी इसके अंदर हमने ले रखा है। देखिए इस पर इसके क्वालिटी दिखाएंगे, जो इसमें 1.2x है पहला, उसके बाद है एरिया 1.8x, उसके बाद है ये 2.5x और ये रहा 3.5x। 4 तरह का हमको लेंस मिलता है। हमको लगता है इसमें कुछ नज़र का भी चक्कर है, यदि आपकी नज़र बिल्कुल ठीक है तो मैंने जो देखा क्वालिटी इसका 1.2x और 1.8x बहुत अच्छे से वर्क करता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन इसमें हमको कुछ नहीं दिखाई दिया 2.5 में और 2.8 में, हाँ दिखाई देता है बिल्कुल नज़दीक करने से, यदि हाथ में लेके कुछ देखेंगे तो अच्छा है। आँखों पर लगा के इस रिंग के थ्रू जब हम इसको चेक करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं दिखता, थोड़ा सा इतनी दूर से भी, लगभग मान लो 6 इंच ऊपर से भी कुछ नहीं दिखता, 1 फुट से हम आंखों पर लगा के कम से कम 1 से 1.5 फुट दूर होता है हमारा कोई भी वर्किंग जो स्टेशन होता है काम करने के लिए। लेकिन क्या है, इसमें सिर्फ 1 फुट पे कुछ नहीं दिखता, ये लेकिन नज़दीक करने से आंखों के नज़दीक लगभग 2 से 3 इंच 4 इंच तक ये दिखाता है 3.5x और 2.5x। तो हमको लगता है जिसकी नज़र थोड़ी कमज़ोर है तो उसके ये उसको ही अच्छे से दिखाएगा। यदि आँखों में किसी की प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है,
आपकी आंखें नज़रें बिल्कुल ठीक है तो आपको 1.8 से काफ़ी अच्छा काम करने को मिलेगा। हम इसको कैसे क्वालिटी है कैसा इसका देखने मिलता है, हम क्या करेंगे हाथ में लेके कैमरे से ही आपको इसके क्वालिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले 1.2 ले लेते हैं हम, जैसे हमको हेड में लगाना है उसी तरह से हमने ले लिया। देखिए इसको हम कैमरे के आगे करके दिखा देते, देखिए ये सीधा है बिनो विदाउट कैमरा सिंपल, और ये लेंस के साथ कैमरा देख लीजिए। देखिए ये विदाउट लेंस और ये रहा लेंस के साथ, ये ऊपर से भी नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से 1 से 1.5 फुट पर जैसे हम काम करते हैं, जैसे हम चश्मे लगा के काम करते हैं वैसे ही हम इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल सही काम करता है। हल्का सा जूम है इसमें और ये रहा 1.8, इसको एक बार क्लियर करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए इसके बिना कितना दिख रहा है, इसके भी देखिए साथ कितना बड़ा दिख रहा है। देखिए ये देखिए वीडियो में आप क्लियर देख रहे हैं कितना इसमें डिफरेंस है। ये देखिए ये काफ़ी इसमें बड़ा दिखा रहा है, देखिए ये देखिए विदाउट लेंस और ये रहा लेंस के साथ। अब इसमें हम जो पेपर है उस पर भी दिखाएंगे, पहले इसमें हम स्केलर पर जहाँ हमको वर्क करना है वहाँ पर हम टोटली लेंस को आपको दिखा देते हैं क्लियर करके। ये देखिए देखिए फोक्स भी इसका हट जाता है जब हम इसके आगे लेंस लगाते हैं। देखिए अब देखने में आईसी को आप ध्यान से देखिए और ये रहा लेंस लगा के, देखो कितना बड़ा दिख रहा है, इतना इसमें डिफरेंस पड़ जाता है। देखिए ये देखिए विदाउट लेंस और ये देखिए लेंस के साथ कितना बड़ा दिखाई देता है, जितना इसमें कैमरे में दिखा रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमको आँखों पर लगा के दिखता है इसके अंदर। और अब रहा है ये सबसे बड़ा 3.5x, देखिए विदाउट लेंस और ये देखिए लेंस के साथ कितना बड़ा इसमें, इसमें अप डाउन करने से भी देखिए देखिए फर्क पड़ रहा है। देखिए इसने यहाँ तक अच्छी क्वालिटी दिखा दी है, इसके विदाउट देखिए बिना लेंस के कितना छोटा है, इससे लगभग ये डबल ही हो चुका है। ये देखिए हमको लगाकर जब हमने काम किया इसमें हमने कुछ नहीं देखा, 3.5 में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, धुंधला था, आंखों पे दर्द कर रहा था, इसमें हल्का दिख रहा था लेकिन क्वालिटी में मज़ा नहीं आया। सबसे अच्छा हमको जो लगा ये 1.8 में हमने अच्छा लगा, क्योंकि हमारी आँखों में कोई दिक्कत नहीं है, हमको चश्मा नहीं लगा हुआ, अच्छी क्वालिटी में हमने वर्क किया, इससे लगभग 30 से 40% जूम हो जाता है, देखने में जितना बड़ा है उससे लगभग आधा बड़ा हम कह सकते हैं 1.8 में हो जाता है। अभी बारी है इसके इसके साथ आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखा देते हैं। देखिए जितना इस बड़ा इसमें दिखता है इसके लेंस दिखा देते हैं आपको। देखिए देखिए ये एक आँख से दिखाता है और फोकस भी नहीं कर पाता, हिलता रहता है, एक हाथ से पकड़कर हम काम करने में काफ़ी दिक्कत आती है इस लेंस से, उसकी जगह भी ये दोनों आँखों पर वर्क करता है और काफ़ी अच्छा इसमें वर्क करने में आसानी रहता है, बहुत अच्छा हमको ये लगा। और ये देखिए आपको एक बार लिखा हुआ कैसा इसमें बड़ा बड़ा दिखता है वो भी आपको दिखा देते हैं एक बार। कुछ लोग वीडियो बना देते हैं दोस्तों, वो क्लियर इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ताकि हमको लेना अच्छा रहेगा नहीं, अब आपको अपने हिसाब से देख लेना है आपके लिए अच्छा है नहीं। हमारे को तो बहुत अच्छा लगा इसलिए हमने ऑर्डर किया था, हमने रिव्यू देखा था, कई लोग इसको रिव्यू दे रहे थे लेकिन वो क्लियर नहीं बता रहे थे कितना बड़ा इसमें दिख रहा है, वो सिर्फ ये बता देते हैं हाँ इसमें इतना अच्छा, इसमें इतना अच्छा, इसमें इतना अच्छा, लेकिन वो क्या कुछ भी नहीं दिखाते। हम टोटली जो भी चीज़ दे रहे हैं आपको वीडियो बना के उसमें क्लियर करके दिखा देते हैं कि इसमें कितना डिफरेंस है, इससे हमको कितना अच्छा क्लियर देखने को मिलता है, कितना डिफरेंस है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं ये आपके लिए कितना बेटर रहेगा। देखिए हल्का सा जूम है, ठीक है, उसके बाद 1.8 काफ़ी अच्छा काम करने में हमको ये लगा। देखिए ये आधा आधा गुना ये इसको जूम कर रहा है, काफ़ी अच्छा वर्क करने में हमको लगा। इसके बाद ये देखिए जूम के साथ इसका जो कैमरे का लेंस है वो भी फोकस
छोड़ देता है। देखिए फोकस करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितने छोटे अक्षर हैं और इसमें देखिए कितने बड़े हो चुके हैं। अब रहा सबसे बड़ा 3.5x की बारी है, देखिए इसमें कुछ नहीं दिख रहा, ये देखिए कितना बड़ा इसमें दिख रहा है देखिए। तो हमको दोस्तों कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा लगा, हमने वर्क करके देखा काफ़ी आसान है इसके लिए काम, इसके साथ काम करना। सिंगल जो आंख पे लेंस लगा करते हैं उसमें काफ़ी परेशानी है, एक आंख से देखना उसमें ज़्यादा टाइम तक हम देख भी नहीं पाते। इसमें आंखों पे लगा के हम बहुत अच्छा वर्क करके देखा है, काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है और हमको काफ़ी मज़ा लगा आया इसमें काम वर्क करके। आपको कैसा लगा एक बार, आपको ये अच्छा लगे तो आप ले लीजिए। आप कैसा वर्क करते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, बारीक काम करते हैं, एलईडी का काम करते हैं, तो आपके लिए हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और यदि आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं और ये आपको ये जो हमारा मैग्नीफाइंग है ग्लास है वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।